और चार्जेस भी बहुत है। अगर 40-40 कंटेनर है, अराउंड अराउंड एंड अराउंड 170 दिरहम्स आपको कैश पे करने पड़ेंगे। अगर 20 फुट है तो 110 दिरहम के आसपास का। बाहर जाते हुए जबल अली पोर्ट के अंदर का व्यू दिखाएंगे आपको भी बढ़िया से। जितना हो सके ना ट्रकों से दूर रहा करो, हमें खुद को डर लगता है। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं होप करता हूँ कि आप सब यार ठीक होंगे। सुनाओ आज ट्रिप है भाई अंदर का। पहले यार मैंने ब्लॉगिंग शुरू की पर बैटरी लो होगी, मेरे को लग रहा है जब ब्लॉगिंग हो रही है कैमरा चल रहा है मैं बातें करी जा रहा हूँ। जब यहाँ पे लोकेशन पे पहुँचे तो देखा भाई वीडियो बनी ही नहीं, अकेला कैमरा ही ओपन था, तो भाई यार बड़ा मूड ख़राब हुआ। चलो मुश्किल नहीं, फिर से शुरू कर लेते हैं। सो भी रात को मैंने 10 से 12 का 2 घंटे का टाइम होता है आपका कंटेनर निकालने का। टर्मिनल 2 से निकाला है जबल अली पोर्ट दुबई के अंदर से, तो ये दुबई में है जबल अली पोर्ट। तो वैसे ऑलमोस्ट भाइयों को पता होगा जो ट्रक ड्राइवर है, तो जो आने वाले हैं भाई उनको इन्फॉर्मेशन दे दे। तो रात को निकाला 10 से 12 कंटेनर, फिर रात को आपका भाई यहीं पे सो गया पोर्ट के अंदर ही कहीं पार्किंग साइड में, जहाँ पे अपने भाइयों के ट्रक खड़े होते हैं अपनी कंपनी के, तो वहाँ पे गाड़ी लगाई हमने भी, हम भी सो गए भाई। सुबह 8 बजे का टाइम था, अभी यहाँ पे आए हैं। गाड़ियाँ हैं कंटेनर, 40-40 कंटेनर है इसके अंदर, गाड़ियाँ भाई पोर्शे की गाड़ियाँ। तो अभी हो रही अनलोडिंग, 2 गाड़ियाँ हैं, लगेगा आई थिंक आधा घंटा पौना घंटा लगेगा। तो जैसी अनलोडिंग होएगी ऑफ लोड हो के, तो हम थोड़ा कंटेनर को साफ करेंगे थोड़ा सा नहीं, ताकि वॉशिंग ना पड़े। अदरवाइज एक बार तो आपको बाय हैंड बाय कैश, मतलब लाइक अपने जेब में से देने पड़ते हैं कैश, ठीक है। तो बाद में हमारे जो रबाब है ओनर है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, मुश्किल नहीं होता कोई भी, पर भाई एक बार तो देने मुश्किल है ना। कई बार बंदे की जेब में हो, कई बार ना हो, और चार्जेस भी बहुत है। अगर 40-40 कंटेनर है, अराउंड अराउंड एंड अराउंड 170 दिरहम्स आपको कैश पे करने पड़ेंगे। अगर 20 फुट है तो 110 दिरहम के आसपास खर्चा है कैश पे करने का। तो गाड़ियां निकल जाएंगी, फिर देखेंगे कंटेनर साफ है, कोई कमी पेशी हुई देख लेंगे, तो उसके बाद कंटेनर को करेंगे लॉक। और 10 से 12 का टाइम लिया हुआ है आपके भाई ने कंटेनर जमा कराने का, तो राउंड अभी 10, 10:30 होने वाले हैं, और देखेंगे आधे घंटे तक हो गया ठीक है। तो नहीं हुआ अगर, वैसे तो ऑलमोस्ट चांस है हो जाने का, तो नहीं हुआ तो टाइम को आगे 12 से 2 कर देंगे। अभी तो स्टार्टिंग में टाइम मिल जाएगा भाई जल्दी, तो नहीं तो टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद जाएंगे, आपको कुछ व्यू भी दिखाएंगे अभी का, बाहर जाते हुए जबल अली पोर्ट के अंदर का व्यू दिखाएंगे आपको भी बढ़िया से। तो तभी मेरा मेन मकसद यही है, और एक दो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ मैं। कल एक भाई बाइक पे जा रहा था, आगे टैंकर जा रहा था साल्टेड वाटर का ना, बड़ा टैंकर जा रहा था, तो भाई ने बाइक बिल्कुल इतना पीछे लगाया, मतलब ये भी डिस्टेंस मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, मतलब वहाँ से ब्रेक लगी बाइक राइडर बीच में। भाई ये काम मत किया करो, मतलब यार आपसे रिक्वेस्ट है भाइयों, देखो हमारा कुछ नहीं, हमने हल्की सी ब्रेक मारनी है, एयर प्रेशर है, ठीक है। तो भाई का मेरे ख्याल से टैंकर भी खाली था, जैसे वो भी बका रहा था, तो भाई मेरे उसने ब्रेक मारनी है, हमारा कुछ नहीं जाना, हमारे आवाज आनी है ठा, और आपका यार कुछ नहीं रहना, ठीक है। फ्रैक्चर हो जाएगा, बंदा मरमरा जाए, कुछ हो जाए, क्यों यार आप लोग इतना मतलब रिस्क लेते हो। भाई मैं ट्रक का ड्राइवर हूँ, मैं उससे इतना डिस्टेंस मैंने मतलब डिस्टेंस मैंने मेंटेन किया हुआ है, कम से कम आप लगा लो भी 50 से 60 फुट, उससे भी ज़्यादा ही होगा, मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया है। सिंगल लाइन है, वो बंदा ओवरटेक कर रहा है, यार सिंगल लाइन में बाइक कैसे ओवरटेक करेगा भाई, पानी के टैंकर को, इतना बड़ा टैंकर होता है वो, ठीक है, उसको यार आप कैसे ओवरटेक कर लोगे। वो बंदा दे भी रहा इंटरव्यू सॉरी कह रहा हूँ मैं, वो बंदा इंडिकेटर दे रहा है राइट का कि राइट टर्न करना है, वो बंदा राइट में से जा रहा है, यार क्यों यार आप लोग ऐसा करते हो। भाई मेरे, हम ड्राइवर हैं, हम खुद डरते हैं। आपको मैं एक एडवाइस दूंगा, जितना हो सके ना ट्रकों से दूर रहा करो, हमें खुद को डर लगता है। मैं जहाँ देखता हूँ ना, कई बार मैं हाईवे पे जा रहा होता हूँ, आप कहते हो आप चलते चलते ड्राइविंग वीडियो नहीं बनाते यार, मैं रिस्क लेता ही नहीं,
मेरी आदत है, पर बहुत सारे बंदों के कमेंट आते हैं यार बनाया करो, सो आई ट्राई करेंगे। पहले भी एक दो बार किया है, बट तब किया है जब संडे हो, कोई रश ना हो, तो आज भी कोशिश करेंगे, मुश्किल नहीं है, पर धीरे धीरे भाई, ठीक है ना। अगर आप कहते हो कि मैं 80-90 की स्पीड पे जाके मैं ब्लॉगिंग करूं, भाई मेरे से नहीं होते, बहुत सारे भाई ऐसे काम करते हैं, ठीक है, अपने से नहीं होते भाई, ठीक है ना, अपना जिगरा ही नहीं है इतना, ना मैंने ये काम करने भाई, अपने फैमिली का मैं को एक बेटा हूँ, सो मैं रिस्क नहीं लेता, सीधी सी बात है, ठीक है ना। इस चीज़ में कोई होशियारी नहीं, या कोई स्मार्टनेस नहीं, या कोई दलेवा, कोई अच्छी बात नहीं यार इसको मैं समझता हूँ। तो भाई वो बंदे ने बिल्कुल साथ लगाया, मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया, कल की बात है बंदा मेरे को ओवरटेक करके गया बाइक, और राइट साइड से कर रहा ओवरटेक, एक सोचने वाली बात, राइट साइड से यहाँ पे ओवरटेक कर रहा। तो भाई मेरे आप लाइट मारो, ठीक है, अगर आपको इमरजेंसी है कुछ हो, ठीक है ना, आप आ, 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 लाइट मारो, इंडिकेटर दो, डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सबसे बड़ी बात है, मैं ट्रकों से दूर रहने की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, अगर मेरी गाड़ी लोड है ना 40 फुट का कंटेनर, इसकी कैपेसिटी 30 से 35 टन की होती है भाई, मेरे अगर मैंने ब्रेक मारी ना, मैं एंड तक जोर लगा लूँ, एंड तक भी 100 फुट से पहले मेरी गाड़ी नहीं रुकेगी, सीधी सी बात है, जो रियलिटी होती है। अगर खाली है ना 80 पे जा रहा हूँ या 100 पे, भाई अगर मैंने एकदम से ब्रेक मारी ना, पलटने का भी डर। इसके चार लोग होते हैं कंटेनर के, आगे पीछे चार लोग होते हैं, एक सनैया होता है, सनैये के ऊपर कंटेनर जो ट्राला होता है उसकी पिन फंसाई जाती है, और पीछे से एक लोक लगता है, एक पट्टी टाइप ना एक पिन लगती है भाई, उस पर ही सारी गेम अड़ी होती है, लगा लो हिसाब। तो कुछ भाई ऐसे हैं जिन्होंने कंटेनर लोक भी नहीं लगाया होता, तो मैं उन पे हैरान होता हूँ यार, आप मैंने पूछा, मैं कह यार तुसी लोग क्यों नहीं जानते, कहना भाजी असी अज तक नहीं कभी लाया, लोड ही नहीं पैंदी। मैं क्या भरावा हद है, मैं क्या बल्ले थोड़ी दलेरी दे, ठीक है ना, मैं क्या पर कोई चंगी गल नहीं, कहना नहीं नहीं भाजी 8 साल हो गए ड्राइविंग करते, अज तक नहीं कभी कोई दिक्कत हुई। 8 सेकेंड भी नहीं लगते भाई मेरे, 8 सेकेंड भी गेम पलटने, ऐसा मत किया करो भाई मेरे। चलो वो कर रहे हैं ड्राइवर, इनकेस कोई गलती कर रहा है, बाइक राइडर्स कार वाले यार आप लोग तो समझदार हो, क्यों ऐसे काम करते हो, ठीक है, तो ऐसे काम मेरा भाई बिल्कुल मत किया करो, जितना हो सका डिस्टेंस रखो। जब तक ट्रक वाला नहीं आपको इंडिकेटर दे देता कि हाँ भैया जाओ, या वो खुद नहीं लाइन चेंज करता यार, तब तक आप मत निकलो। देखो हॉर्न देने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना, क्योंकि ट्रक वाला है, उसको पता है उसका मटेरियल कैसा है। कई बार ना हम लिक्विड लेके आते हैं, तो हम जल्दी ओवर लाइन चेंज नहीं कर सकते, अगर हम एकदम से लाइन चेंज करेंगे ना तो कंटेनर भाई ऐसी ऐसी होगी, तो पलटने का डर रहता है भाई। जैसे मर्जी लगा लो, चार लोग भी अड़ा होता है, लोग कितने के स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना, इतने इतने लोग कितने के स्ट्रॉन्ग रहेंगे वो। सो भाई मेरे हमें खुद डर लगता है यार, ठीक है, 35 टन का लोड है, 30 टन का लोड है, लोग क्या करेंगे, घंटा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे लोग यार। जो अपने आने वाले न्यू ड्राइवर्स हैं, या अपकमिंग कह लो, या जो नए आए हैं ड्राइवर्स, उनको मैं एक चीज़ एडवाइस देना चाहूँगा भाई, जब भी आप सुबह उठते हो तो 3-4 चीज़ें जरूर चेक किया करो। सबसे पहले टायर हो गए, अपने टायर चेक करो, पीछे नंबर प्लेट चेक करो, नंबर प्लेट कैसी है, लूज तो नहीं है, कुछ भी है, ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर चेक करो। सनैया होता है जिसे आप कंटेनर जैसे लाइक ऐसे पिन फंसाते हो, या जैसे ट्राला फंसाते हो, वो पिन ज़रूर चेक करो, ठीक है ना। दुबई में बहुत शरारती है भाई, दुबई में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को देख नहीं सकते, ठीक है, जेलस फील करते हैं, ठीक है, या पंजाबी कह लो जर नहीं होंगे कई लोग, ठीक है ना। सो भाई मेरे पिन जरूर चेक करो, ठीक है, उसको कोई भी खींच सकता है, तो उसको ज़रूर चेक करो, टायर चेक करो, कंटेनर लोग ज़रूर चेक करो, कोशिश करो जब भी आप उतरो एक बार कंटेनर लोग। कई बार ट्राला ऐसा होता है मतलब ना, लोग अपने आप ही लूज हो जाता है, मतलब लाइक प्रॉपर उसको, मतलब काफ़ी पुराना लोक हो ना, अपने आप ही लूज होता रहता है, तो भाई उस चीज़ का खास ध्यान रखा करो, लोक लूक प्रॉपर चेक करो आप, ठीक है, तेल पानी उसके बाद चेक करो, पर पहले ये चीज़ें चेक किया करो। मैं मेरा एक्सपीरियंस कहता है, और मैं इस चीज़ को पहले प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, सुबह जब भी उठता हूँ ये चीज़ें पहले चेक करता हूँ, उसके बाद तेल पानी चेक करो, ठीक है। तेल पानी का आपको ऑलमोस्ट बंदों को यार पता ही होता है भाई, उसके साथ किसी ने छेड़खानी नहीं करनी, वो चलो एक इंजन का एक सेपरेट मैटर हो गया, पर इसके साथ कोई भी छेड़खानी कर सकता, कोई भी। इंजन का मसला होएगा वो मशीनरी का इशू होएगा, आप रबाब से बात कर सकते हो, ऐसे हो गया ऐसे हो गया, अपने ओनर से बात कर सकते हो, कुछ भी है, पर इस चीज़ पीछे ना कोई रबाब नहीं आपकी सुनेगा। रबाब ओनर को कहते हैं यहाँ पे, रबाब यहाँ का वर्ड है रबाब, ठीक है। आपका ओनर कोई नहीं सुनेगा, उसने आप पे ही गलती निकालनी है मेरा भाई। सच्ची बात बताऊँ ना, इमिग्रेशन पे ना आपकी इतनी चेकिंग नहीं होती जितनी यहाँ पे साले कंटेनर की S1 वाले या ये टर्मिनल वाले चेक करते हैं भाई, वहाँ पे इतनी चेकिंग नहीं होती जितनी यहाँ पे होती है। ये कोई कस्टम्स या कोई इमिग्रेशन से कम नहीं है, कोई भी ड्राइवर भाई से पूछ लेना, ये रियलिटी है भाई। A few moments later. So, भाई S1 से मैसेज इंटीमेट किया कि कंटेनर साफ है, तो कंटेनर साफ वगैरह होने के बाद सारा कुछ फिनिश हो गई फॉर्मेलिटी, देन वहाँ से निकले हम आ गए Terminal 2 में। ये ऐसे कंटेनर वगैरह पड़े होते हैं भाई, बहुत कम लोगों ने आपको ऐसा सीन दिखाया होगा, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे अलाउड नहीं है, पर तभी मैं लीगली काम कर रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं। ये स्लिप वगैरह निकलती है, ठीक है, इसमें सारा मेंशन होता है, शायद आपको दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ, तो ऐसा सारा कुछ मेंशन होता है इसमें। आपको मेंशन होगा विजिट लेन कौन सी है आपकी, डे टाइम कंटेनर नंबर है, कौन सी कंपनी है, कौन सी लोकेशन पे जाना है, सारा मेंशन है। जैसे 73G26P6, ठीक है। तो ये सारा जब आप न्यू ट्रैकिंग ज्वाइन करोगे ना, तो इस चीज़ को आपको अपने आप ही पता लग जाएगा, अभी मेरे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होएगा आपको। तो मैं अपनी लोकेशन पे लाके मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है, तो खाली एम्प्टी है, तो मैनुअल क्रेन आएगी तो वो कंटेनर उठाएगी चारों साइड से, और जैसे ये देखो कंटेनर पड़े हैं ना, ऐसे कंटेनर रख देंगे। तो बातें ऐसी होती हैं, मैंने ऑलरेडी ब्लॉग में मेंशन की होती हैं, पर आप लोग फिर भी यार उसका क्वेश्चन पुट करते हो, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं करता कमेंट का, ठीक है। तो अगर मैं कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ, मैं आपको सीधा वो लिंक भेज देता हूँ, आप वो लिंक देखो, आप वीडियो चेक करो और आप सारी नॉलेज ले सकते हो। बहुत सारे मेरे भाई बार बार मेरे से पूछते हैं कि यार कोई अच्छा एजेंट बता दो, अच्छा एजेंट बता दो। भाई मेरे, मैंने वीडियो बना रखी है एक एजेंट के साथ, आप वो वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, सारी डिटेल मेंशन है। फिर भी अगर आप नंबर मांगोगे या मुझे बताओगे कि मेरे को गाइड कर दो, यार आप वीडियो देखते नहीं हो, मैं कैसे गाइड करूँगा? मेरे अकेले गाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, कई बार मेरे भी माइंड में नहीं आती, ठीक है। तो आप वीडियो देखा करो, आपको फिर भी ना समझ लगे आप कमेंट करो, ठीक है, ना समझ लगे आप मेंशन करो, सर मेरे को ये चीज़ समझ नहीं लगी, भाई मेरे को ये चीज़ समझ नहीं लगी, या आप मैसेज करो, मैं ना ऑन द स्पॉट रिप्लाई करूं, आप कमेंट में चाहे जो मर्जी बोलो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। सो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो यहाँ तक अगर अच्छी लगे हो ना यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो पूरी देखा करो, इतना हो सके शेयर करो वीडियो को, ताकि आगे आने वाले जो अपकमिंग ड्राइवर्स हैं, जो अपने भाई जो ट्रैकिंग लाइन को प्यार करते हैं, वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। नोट टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय 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 बाय।